कक्षा छह विषय संस्कृत षष्ठ पाठ समुद्र तट षष्ठ पाठ का है छठा पाठ समुद्र तट समुद्र का किनारा। इसमें इस पाठ में कवि ने समुद्र तट के सौंदर्य का वर्णन किया है और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण हमारे जो समुद्र तट है जैसे मुंबई गोवा चेन्नई विशाखापट्टनम जितने भी हमारे ये पर्यटक के समुद्र तट है इसमें क्या है वर्णन किया है उसमें जितने भी पर्यटन करने के लिए लोग आते हैं उनका वर्णन किया है कि समुद्र के किनारे बच्चे किस तरह से बालों से अपना घर बनाते हैं और समुद्र की लहरों से वो क्या है बह जाते हैं इसका वर्णन किया है। अब आपने इस शब्द को समझना है समुद्र तट समुद्र का किनारा। पर्यटन आए घूमने के लिए नौका भी नौकाओं के द्वारा प्रचलती एवा यानी चलती ही रहती है और मत्स्य जीविना मछुआरे और चार यंती चलाते हैं और संगम मिलन ये इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ है। अब आपने बच्चों मेरे साथ क्या है बुक खोलनी है और बुक पे फिंगर लगा के मेरे साथ इसका अर्थ समझना है। षष्ठ पाठ छठा पाठ समुद्र तटा समुद्र का किनारा। अब देखिए आए बच्चे बच्चों मेरे साथ आप समझेंगे इसका अर्थ। ऐसा समुद्र तटा यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति अत्र मतलब यहाँ जन मतलब लोग पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति केचन तरंगे क्रीडन्ति केचन मतलब कुछ लोग क्या है तरंगे मतलब लहरों के साथ खेलते हैं। केचन चा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति केचन मतलब कुछ क्या है केचन कुछ लोग क्या है चा नौका भी मतलब नौ से क्या है जल विहारम जल क्रीड़ा कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति तेसु मतलब कुछ क्या है इसमें कुछ लोग क्या करते हैं गेंद से क्रीड़ा करते हैं। बालुकः गृहं रचयन्ति बालिका लड़कियां और चा मने और बालका मने लड़के बालुकः भी जो बालू से क्या है बालुकः गृहं जो बालू से क्या है घर बनाते हैं रचयन्ति मतलब बनाते हैं। लड़कियां और लड़के यहाँ पे क्या बनाते हैं बालों से घर बनाते हैं। मध्ये तरंगः बालुकः गृहं प्रभायन्ति बीच मध्य मतलब बीच बीच में लहरें क्या है बालू का ग्रम जो बालू के जो घर होते हैं प्रभायन्ति भा लेती है। ऐसा क्रीडा प्रचलती ऐसा मतलब यह खेल क्या है प्रचलित है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानी समुद्र का जो किनारा है वो केवल क्या है पर्यटन का स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविकां चालयन्ति अत्र मतलब यहाँ क्या है लोग मत्स्य जीवन मछुआ अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविकां चालयन्ति अत्र मतलब यहाँ पर क्या है मछुआरे मछली पकड़ने वाले जो होते हैं अपने स्व मतलब क्या है अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति अस्माकं हमारे देश में क्या है बहवः मतलब बहुत से क्या है समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी
विशाखापत्तनम पुरी तटः अति प्रसिद्धः सन्ति। इनमें से मुंबई और गोवा, कोची और कन्याकुमारी और विशाखा जो पट्टनम है या विशाखापत्तनम है, पूरी तटा जो पूरी का जो किनारा है वो अति प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकं रोचते। गोवा का जो किनारा है वो विदेशी पर्यटन के लिए क्या है, समधिकं मतलब सबसे क्या है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। रोचते मतलब प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। जो विशाखा का जो पट्टनम का जो तट मतलब किनारा है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। जो कोची का जो तट है, किनारा है, वो नारियल के फल के लिए क्या है, जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वयरम विहरन्ति। जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है, वहां पे जो तट है एक, उसका नाम क्या है, जुहू तट है। सर्वे मतलब सब लोग वहां पे क्या आते हैं, स्वयरम मतलब सही इच्छा से, अपनी इच्छा से क्या है, विहरन्ति, अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है, मेरिना का जो किनारा है वो देश से मतलब देश का क्या है, सागर तटों में से क्या है, दीर्घतमा सबसे बड़ा या सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिशसु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के जो त्रिदिशा मतलब तीनों क्या दिशा दिशासु जो तीनों दिशाओं के जो समुद्र का किनारा है, संति मतलब है, भारत की तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र का किनारा है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशस्य देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् मतलब इसी कारण क्या है, भारत देश को क्या है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि तीन तरफ से जल से गिरा हुआ जो भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोप सागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां पूर्व दिशा में बंगोप सागर मतलब बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण दिशायां दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशायां पश्चिम दिशा में क्या है, चामनी और अरब सागर अस्ति। पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन तीनों सागरों में एतेषां इन तीनों तीरणायां मतलब तीनों में क्या है, सागरों में संगमः मतलब मिलन क्या है, कन्याकुमारी तटे भवति मतलब कन्याकुमारी के तट पर या तन कन्याकुमारी के किनारे होता है। अत्र पूर्णिमायां अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमायां पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, चामला और युगपदे एक साथ दृष्टुं देखा शक्यते मतलब देखा जा सकता है। तो ये बच्चों इसका क्या है, भाव अर्थ था। अब इसमें क्या है, ये शब्दार्थ है, आपने इनको लर्न करना है, अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और इनको लर्न करना है। धन्यवाद।